चले बढ़ते आगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, बीजेपी विधायकों का सदन के बाहर धरना। जी हां, बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने मधुपुर में पत्रकार के साथ घटी घटनाओं को लेकर पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। तो आज दूसरा दिन है मानसून सत्र का और जैसा कि उम्मीद भी जताई जा रही थी कि हंगामेदार रहने वाला है आज जो दूसरा दिन है, और इसी वजह से जो इस समय की खबर आपको दिखा रहे हैं वो, और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता विपिन का। विपिन, जानकारी चाहेंगे, आज दूसरा दिन है, हालांकि बीजेपी विधायकों का सदन के बाहर जो अब तक खबर मिल रही, सूचना मिल रही, वो धरना वो दे रहे हैं, जानकारी चाहेंगे। देखिए, विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले बीजेपी के विधायक जो है वो सदन के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से कल जो मुद्दा उठाया था भारतीय जनता पार्टी ने, भूखल घासी के परिवार और उनके भूख से मौत का, इसके अलावा जो सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज हुई थी, उस मुद्दे को लेकर बीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो सदन के बाहर चल रहा है। इसके अलावा जो पूर्व कृषि मंत्री और सारण के मौजूदा विधायक है रणधीर सिंह, उन्होंने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का एक मामला उठाया जिसके तहत एक स्थानीय दैनिक समाचार के पत्रकार के साथ पुलिस के बर्बरता की जो खबरें आई थी उसके आधार पर पुलिसकर्मी पर अविलंब कार्रवाई की मांग सरकार से विधायक के द्वारा की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने ट्रेलर दिखाया है कि आज सदन का जो दूसरा दिन है उसको लेकर बीजेपी का क्या कुछ रुख होगा और किन किन मुद्दों पर भाजपा जो है वो सदन में सरकार को आज घेरेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विपिन हमारे साथ थे और तमाम जानकारी दे रहे थे।